छिंदवाड़ा में शिकायतकर्ता मुकेश उइके निवासी खजरी विधानसभा में अपना मतदान करने प्राथमिक शाला मतदान केंद्र खजरी जा रहा था। पीड़ित मुकेश का रास्ता रोककर मुन्ना साहू वगैरह ने उसने कहा, तुम गौड़ आदिवासी हो, तुम्हारी अकल घुटने में होती है, ये लो पैसे, हम जिसे बोल रहे हैं उसी को वोट देना। पीड़ित मुकेश उइके ने मुन्ना साहू वगैरह का विरोध किया एवं अपने मत का प्रयोग सूझबूझ से करने की बात रखी तो मुन्ना वगैरह आपा खोते हुए पीड़ित पर ताबड़तोड़ गाली गुप्तार लात मुक्कत से घायल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर मुकेश उइके अपनी जान बचा पाया। मुकेश ने अपने आप को सुरक्षित पाते हुए भी अपने मत का प्रयोग किया, फिर घर जाकर अपने परिवार को घटना की आप बीती सुनाई। इसके बाद परिवार वालों के साथ थाना देहांत पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों पर हमला करने का मामला दर्ज कर लिया है। आपका नाम बताइए। मुकेश उइके। कहाँ से रहते हैं? वार्ड नंबर 3 खतरी। आज आपके साथ क्या दुर्घटना हुई? आज मैं जब वोटिंग डालने निकला तो वहाँ पे कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जाति शोषक शब्द का गाली गलौज कर रहे थे। साथ में साथ वोट डालने आ रहा था वैसा जमाने भर का भला ढंग का बोल के मेरे साथ अभद्र करे और मार तोड़ने की बात कर रहे हैं और जान से मारने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की जाति सूचक शब्द आपको कहे गए? गोंड चमान जैसे लंदी माया, तब तुम कैसे वोट डालोगे, तुम्हारा कोई हक ही नहीं है, और ऐसा करके मारने की कोशिश कर रहे हैं। अनावेदक गणों में किन धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है? हाँ देख के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अधिनियम धारा अपनी 294, 323, 506, 34 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 वन द और 3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 3 वन ध। आपको जान का खतरा है? हाँ जान का खतरा है। आपके अनावेदक गण आपको लगता है कुछ क्षति कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है नहीं कर रही है? अभी तो अब देखो सर, आज रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, समझ में आया कैसे क्या। कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? सर पैर घुटने में आई है, उंगली में आई है और पेट में बंदी चोट लग रही है। ठीक, एक बार आपका नाम फिर बता दीजिए। मुकेश सही थे सर। नहीं मतदान केंद्र में नहीं हुआ है, मतदान केंद्र के सामने बाईपास रोड खजरी है, वो रोड पे दो मतदाताओं के बीच में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला कायम हो रहा है। जी जी सर, आगे सर ये इस प्रकार का था। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी एस वी के, थाना प्रभारी देहात। जी।